आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाजी थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, इनकम टैक्स के रिटर्न के बारे में सारे सवालों का जवाब देंगे इस वीडियो में। इसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया गया है सीए पूजा गर्ग जी को, जो कि एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो पूजा जी, हम अपने सब्सक्राइबर के भी पर आपसे कुछ सवाल पूछेंगे जो कि ITR को लेकर बड़े कंफ्यूज कर रहे हैं। अभी हमारे पास भी कई सारे फ़ोन आ रहे हैं क्लाइंट्स के कि भाई मेरी ITR भर दो, ठीक है ना, जल्दी से भर दो, मेरा रिफंड दिलवा दो, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर किसी क्लाइंट का फ़ोन आ रहा है कि ITR भर दो, रिफंड दिलवा दो, तो क्या ITR, जैसा कि आज हम 6 जून 7 जून को बैठे हुए हैं, क्या अभी भर देनी चाहिए या अभी कुछ दिन वेट करना चाहिए, आप ये बताएं। ठीक है सर, ITR का जो मुद्दा है वो ये है कि इनकम टैक्स रिटर्न, बेसिकली जो सैलरीड पर्सन होते हैं, सैलरीड पर्सन है या फिर जिनका TDS थर्ड पार्टी ने डिडक्ट किया है जी, उनको रिटर्न फाइल अभी नहीं करनी चाहिए सर। अभी नहीं करनी नहीं चाहिए, करनी चाहिए। उसके पैसे आ जाएंगे, जल्दी कर देंगे सर तो। उसका रीजन अलग है, हमारे पास भी फोन आ रहे हैं डेली क्लाइंट्स के कि भाई हमारी रिटर्न फाइल कर दो, हमारी रिटर्न फाइल कर दो, इनकम वो अपनी बैंक स्टेटमेंट भी दे रहे हैं हमें साथ ही साथ की, फाइल क्यों नहीं करते हो आप लोग। ठीक है, तो सर रीजन ये है कि जो सैलरीड पर्सन है जिसका TDS कटा हुआ है उसका ना जो 26 AS में अभी शो नहीं हो रहा। 26 AS सर एक क्रेडिट होता है जो 26 AS में हमारा जो TDS कट होता है वो सारा आता है कि क्या किसी ने कट किया है, तो उसी को हम रिफंड बोल देते हैं, मतलब क्लाइंट बोलते हैं कि हमें रिफंड दिला दो जल्दी से, तो वही रिफंड आ जाता है, वही रिफंड होता है। तो इसीलिए हम अभी चाह रहे हैं कि थोड़ा 15 जून तक वेट करना चाहिए। ओके, जो लोगों को, जो सैलरी वाले पर्सन है जिनका TDS डिडक्ट हुआ है, उन्हें 58 जून तक वेट करना चाहिए, 58 जून के बाद अपनी ITR प्रोसेस करानी चाहिए। तो नहीं, कहते तो ये है कि भाई TDS रिटर्न फाइल हो जाएगी 31 मई को, तो 31 मई को लोगों ने अपनी TDS रिटर्न फाइल कर दी, तो जैसा कि आज 7 जून है, 6 जून है, तो उस डेट तक क्या अभी तक नहीं आया? अभी तक 26 AS में शो नहीं हो रहा। मेरे पास बहुत से क्लाइंट आए, मैंने भी कंटिन्यूसली फर्स्ट से चेक कर रही हूँ, अभी किसी का मोस्टली शो नहीं हो रहा है। 58 जून के बाद ही चांसेस है कि वो शो होगा प्रॉपर्ली, तभी हमें रिटर्न फाइल करनी चाहिए। और 31 जुलाई लास्ट डेट है, अभी बहुत टाइम है अपने पास रिटर्न। नहीं मैडम, मेरे पास 1000 ITR है ना, मान लो। हाँ वो ठीक है, बट लेकिन प्रोसेस अकॉर्डिंगली करना चाहिए। हाँ तो चाहे आप पे 1000 ITR हो, लेकिन आप जब तक TDS ना आ जाए 15 जून तक, आप एक काम कर सकते हैं, जिनका रिफंड, जिनको पता है कि भाई मेरा 26 AS में कुछ भी नहीं है, एक क्लाइंट है वो श्योर है कि मेरा कुछ भी नहीं है 26 AS में, वो आप उनकी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ओके अच्छा मैडम, एक चीज और समझ नहीं आ रही कि अभी मैं न्यूज में भी पढ़ रहा था कि कुछ लोग ना रिफंड ले लेते हैं जबकि उनका रिफंड बनता नहीं है, और आजकल तो हर क्लाइंट आके हमसे कहता है कि ITR भर दो, रिफंड मिलेगा। मैं पूछता हूँ क्यों मिलेगा रिफंड, कहता है गवर्नमेंट की स्कीम है, ITR भरेंगे तो रिफंड देंगे। तो रिफंड होता कैसे है, किसे मिलता है, क्या सब लोग जो ITR भरते हैं सबको रिफंड मिल जाता है? नहीं नहीं सर, लोगों ने, हाँ मेरे पास भी फोन आते हैं क्लाइंट्स के कि भाई मैम रिफंड दिला दो, मतलब रिफंड क्या होता है? रिफंड सर अपनी ही इनकम होती है, जो जैसे अब मैं हूँ, मैं कहीं जॉब कर रही हूँ तो मेरी पूरे साल की जो इनकम है उसको जो मेरा एम्प्लॉयर है वो देख के कट करता है, क्योंकि ये हमारी उनका भी एक TDS का रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर जो कि हमें इनकम दे रहा है वो हमारा TDS कट करता है कि भाई मैं ये इसको मैं इनकम दे रहा हूँ, मैंने इसका TDS कट कर लिया एक सेफली हैंड के लिए। और ऐसे ही हमारा जो भी थर्ड पार्टी होती है, मान लो ये तो सैलरी हो गई, सैलरी के अलावा भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि TDS, जो कि थर्ड पार्टी TDS प्रोफेशनल हैं, 30% तो TDS डिडक्ट करते हैं हमारा, 10%, जैसे हम लोगों का भी 10% डिडक्ट होता है, हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा भी 10% TDS डिडक्ट होता है। तो सर मैं वही बता रही हूँ कि ये कोई रिफंड नहीं होता जो गवर्नमेंट हमें दे रही है, ये हमारी खुद की कमाई हुई इनकम होती है जो कि हमारा एम्प्लॉयर या थर्ड पार्टी डिडक्ट करती है। और जब हम रिटर्न फाइल करते हैं, अगर हमारी जो टोटल इनकम है पूरे साल की, यानी कि 1/4/22 से 31/3/23 तक की जो रिटर्न है, अगर वो हमारी जो स्लैब रेट है हमारी, जो भी 5 लाख है, जो भी 2.5 लाख 5 लाख, जो भी हमारा वट एवर जो टैक्स स्लैब रेट है जी, वो उसके जो उससे हमारी अगर इनकम कम होगी तो हमारा जो हमारी टैक्स अगर हमारा नहीं बनेगा, जो हमारी इनकम है वो हमें रिफंड मिल जाएगी, हमारी ही इनकम है वो, कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई वो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है अगर हम ITR फाइल करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई ये ना अपने मन से गलत फहमी निकाल दो कि ITR भरने पर रिफंड मिलता है, रिफंड उस व्यक्ति को मिलेगा कि भाई जिसका TDS कटा है और TDS ज़्यादा कटा है और उस पर टैक्स कम बन रहा है या टैक्स बन ही नहीं रहा, ठीक है ना। अब मैडम एक चीज़ और होती है कि कई बार क्या होता है कि एक क्लाइंट आता है
वो कहता है कि भाई मेरी ITR देख के बताओ कितना रिफंड बन रहा है। मैंने उसे बता दिया भाई रिफंड तो बन ही नहीं रहा तुम्हारा, जितनी तुम्हारी इनकम थी उतना टैक्स है जो तुम्हारे यहाँ कटा हुआ है, तो रिफंड तो बन ही नहीं रहा। वो कहता है, नाराज हो जाता है वो क्या करता है फिर दूसरे प्रोफेशनल के पास चला जाता है, चाहे वो CA है, एडवोकेट है या और है। वो व्यक्ति ये कहता है कि नहीं मैं रिफंड दिलवा दूंगा। अच्छा, अब वो व्यक्ति जो रिफंड दिलवाता है वो क्या करता है, कई बार फेक डिडक्शन डाल देता है, कई बार कुछ डाल देता है, ठीक है, क्योंकि पता नहीं, और वो रिफंड दिलवा देता है और रिफंड के बेसिस पर अपनी फीस ले लेता है। तो क्या ये सही है फेक डिडक्शंस डालना? नहीं, पकड़े तो जाते ही नहीं है कोई भी, इतनी सारी ITR है, क्योंकि डिडक्शन का कोई प्रूफ तो जाता ही नहीं। तो ऐसे क्लाइंटों के लिए क्या करें, क्या हम भी दिलवा दें सबको रिफंड? नहीं सर, मेरे पास भी फोन आते हैं क्लाइंट्स की कि मैम मेरा रिफंड बना दो, ये है वो है, मेरे को तो दूसरा जो CA है वो रिफंड बना रहा है। तो सर नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि CA रिफंड नहीं बनाता, क्लाइंट ही ना झूठे वो करके कि भाई मैंने, मेरे पास भी एक क्लाइंट आया था, उसने बोला था कि मेरा इतना रिफंड है और मैंने इतने की रिडक्शन की हुई है, 180 की, मैंने 180 सी की पूरी, 1.5 लाख रुपए की रिडक्शन की हुई है, और आप प्रूफ मत लो, मैं प्रूफ दे दूंगा रिटर्न के फाइल बाद प्रूफ दे दूंगा। तो हमने नहीं किया, हमें इसमें चाहिए कि हम उसे डिक्लेरेशन, प्रॉपर डिक्लेरेशन लेनी चाहिए और हमें फेक नहीं करना चाहिए। सर अब तो नोटिसेस निकल रहे हैं, प्रॉपर नहीं नोटिस निकलेगा, क्लाइंट को निकलेगा, मेरा क्या जा रहा है। तो आपको आपको क्लाइंट को ये बोल देना चाहिए कि भाई देख, अगर कल को नोटिस निकलता है तो तू ही अपनी रिटर्न खुद फाइल कर, हम नहीं करेंगे, और जो भी नोटिस निकलेगा वो तेरे सिर माथे, हमारा कोई नहीं है। नहीं नहीं, वो तो मेरे से कहता है, वैशाली आई मेरे पास, कह रही सर रिफंड दिला दो। मैंने कहा रिफंड तो तेरे में बनता नहीं। कह रही सर डालो ना फेक डिडक्शन। तो अब मेरा मानना यह है कि मैं फेक डिडक्शन डाल के रिटर्न डाल देता हूँ इनकी, तो मेन जिम्मेदारी किसकी है, वैशाली की है या CA की? कुछ नहीं है, CA की कुछ नहीं है सर, वैशाली की। मेरा सिस्टम की IP एड्रेस तो चेक नहीं करेंगे, वो IP एड्रेस चेक नहीं होता, बट लेकिन हाँ जो भी नोटिस आएगा वो वैशाली के पास आएगा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। क्योंकि हम जब रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें लिखते हैं कि क्लाइंट ने डिक्लेरेशन, क्लाइंट देता है कि भाई मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि हाँ मेरा इतना रिफंड है, मेरा इतने का डिडक्शन। मतलब प्रोफेशनल की कोई जिम्मेदारी नहीं? नहीं सर, प्रोफेशनल को कोई पुलिस पकड़ के नहीं लेके जाएगी। न्यूज में तो आता रहता है कि किसी CA को पकड़ लिया, किसी उसे पकड़ लिया, सर वो दूसरी न्यूज होती है, बट लेकिन ये पूरी क्लाइंट की जिम्मेदारी, ये क्लाइंट की जिम्मेदारी। लेकिन फिर भी प्रोफेशनल को एडवाइस है कि भाई उल्टा सीधा मत डाले, ठीक है ना? ठीक है, अभी तो मैडम कह रही है पता चले तुम्हारे घर में आ जाए पुलिस तो फिर तुम कहोगे नहीं, बट लेकिन प्रोफेशनल हम भी नहीं डालते, प्रोफेशनल की जिम्मेदारी है, प्रॉपर हम नहीं डालनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्लाइंट खुद रिटर्न फाइल कर ले फिर। तो मैडम इसमें और कुछ आप कहना चाहते हैं हमारे यूजर्स को? सर कि कुछ क्लाइंट आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं कि रिटर्न फाइल हो गई तो अगले दिन से शोर मचा देते हैं कि हमारा रिफंड क्यों नहीं आया। वो तो फीस ही नहीं देते, वो कहते हैं रिफंड, हाँ फीस हम तब देंगे जब हमारा रिफंड आ जाएगा। तो ये भी मतलब एक तो मेरे से उधार पैसे लेके चला गया, वो कह रहा रिफंड तो आएगा ही, जैन साहब 5,000 रुपए और उधार दे दो, तुम्हारी वजह से रिफंड नहीं आ रहा। तो ये भी बहुत गलत है सर। अच्छा, तो क्या होता है हमारे पास सर, हमारे ऊपर भी प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि भाई मेरा रिफंड नहीं आ रहा, मैंने आपसे रिटर्न फाइल कराई थी, उससे कराई थी तब तो 2 दिन में आ गया था, तुमसे कराई है तो 10 दिन हो गए रिफंड ही नहीं आया। ठीक है, और क्लाइंट्स को ये भी है कि अपना एक तो IFSC कोड और एक अपना बैंक अकाउंट डिटेल वो प्रॉपर देनी चाहिए, तभी आपका रिफंड बिल्कुल टाइम से आएगा। और दूसरी बात, आपको 1 मंथ एटलीस्ट वेट करना चाहिए रिफंड का। हाँ, हालांकि अभी IT जो प्रोसीजर चल रहा है तो वो 1 मंथ में रिटर्न, 1 मंथ में रिफंड आ जाता है, विद इन 1 मंथ 100% आ जाता है, बट लेकिन अभी भी 2 से 3 महीने लग रहे हैं रिफंड आने में। ऐसा नहीं है कि आपका 15 डेज या फिर अगले दिन। हाँ, मेरा तो 2 दिन में भी रिफंड आया है सर। वैसे नहीं, मेरे से तो मैडम कोई पूछता है कि मेरा रिफंड नहीं आया क्या हुआ, तो मैं तो कह देता हूँ कि अभी मोदी जी के पास ना पैसे नहीं है, खत्म हो गए। ठीक है, इलेक्शन लड़ने में पैसे खत्म हो गए, जब उन पे पैसे आएंगे तो तुम्हें दे देंगे, मेरी तरफ से तो कोई डिले है नहीं। तो रिफंड की जो है जिम्मेदारी ना ले। आपने जैसे ही उसे बोल दिया कि भाई 2 दिन में रिफंड आ जाएगा, हफ्ते में रिफंड आ जाएगा, वो तुम्हें फोन कर देगा, तुम्हारा जीना आराम कर देगा, तो उसे बोल दो रिटर्न मैंने डाल दी है, महीने में आएगा। ठीक है ना? नहीं, मैं तो महीने भी नहीं बताता। वो पूछते कब आएगा रिफंड, मैंने कहा जब गवर्नमेंट के पास पैसे होंगे वो तुम्हें दे देंगे, मैंने तो अपना काम कर दिया। कभी कभी प्रोसेस में टाइम लग जाता है, तो रिफंड का एकदम से शोर नहीं मचाना चाहिए कि भाई रिफंड कब आएगा, रिफंड कब आएगा, हमारे ऊपर भी एक ना प्रेशर हो जाता है। नहीं मैडम, हम कमेटी ना करें ना भाई, हमने अपना काम कर दिया। हाँ, अब उसे हम कह देते कि भाई चेक करवाते रहिए, कोई दिक्कत तो नहीं, अगर किसी ने चेक कराया पता चला कि भाई रिफंड में बैंक अकाउंट गलत है तो वो ठीक कर देते हैं। अगर रिफंड बैंक अकाउंट गलत होता तो मेल आ जाती है हमारे पास, बिल्कुल, तो आपको प्रेशर होने की जरूरत ही नहीं है कि भाई रिफंड कब आएगा। क्लाइंट्स के लिए मेल नहीं है कि रिफंड कब आएगा, इसके लिए शोर ना मचाएं। एक प्रोफेशनल के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है कि आप बार बार फोन करके उसे। मैडम इसके लिए ना हमने ना अपना कोर्स लॉन्च करा हुआ है, हमारा 10 दिन का ना रेगुलर कोर्स है, जिसमें ना हम सारी ITRs के बारे में बताते हैं, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के बारे में बताते हैं। अच्छा। GST पोर्टल से कैसे बुक्स को मैच किया जाए, ये 2 घंटे डेली चलता है, 10 दिन का कोर्स है, 20 घंटे का। अच्छा। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं ना तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ना मैडम जुलाई में तो बिजी हो जाओगे आप सब लोग, ये जून में इसीलिए लॉन्च करा है कोर्स कि नॉलेज ले लो, प्रोफेशनल भी कर सकते हैं। हाँ, कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी मैडम, इसमें और कुछ कहना चाहते हैं?
बस सर यही कहना चाहूँगा। तो एक बार मैं मैडम का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैडम आप हमारे YouTube चैनल पर आए, और आप लोगों को कैसा लगा आप एक बार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। और अगर आपको इस तरह का डिस्कशन पसंद है तो हम अपने YouTube चैनल पर बुलाते रहेंगे तरह तरह के एक्सपर्ट को, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।